सभी को जय जिनेन। जय जिनेन। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोए सवसाहूनं, वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार जी ग्रंथ पंच परमागमों में सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाला ग्रंथ समय सार जी ग्रंथ। यह अशरीरी होने का ग्रंथ है, अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें आत्मा को परमात्मा बनने का उपाय बताया जाता है। सभी आत्माओं को, सभी जीवों को समय सार बताकर यहाँ पर सबको सिद्ध समान बताया गया है। मेरा परिचय मुझसे कराने वाला ग्रंथ है ये। ऐसे समय सार ग्रंथ को हम यहाँ पर विगत दो क्लासेस से देख रहे हैं, जिसमें हमने आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय, ग्रंथ समय सार ग्रंथ का परिचय, और सेकंड में हमने यहाँ पर उसके मंगलाचरण स्वरूप कलश, जो तीन कलश लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो समय सार भूत आत्मा को नमस्कार किया, दूसरे में के अनेकांत मति को नमस्कार किया, और तीसरे में आचार्य अमृतचंद देव ने इस ग्रंथ को मैं क्यों लिख रहा हूँ, इस आत्मख्याति टीका को लिखने से क्या होगा कि परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, ये भाव व्यक्त किए तीन कलश में। उसके बाद पहली गाथा में हमने यहाँ पर मंगलाचरण किया, जिस मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद देव ने सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, कैसे हैं वो सिद्ध, ध्रुव, अचल और अनुपम, ऐसे तीन प्रकार से सिद्धों को नमस्कार करके कहा कि मैं केवली, श्रुत केवली द्वारा कहा गया समसार कहूंगा। तो ये गाथा का सामान्य अर्थ ही है। केवली, श्रुत केवली द्वारा कहा गया का मतलब ये है कि मैं अपने घर से बात नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात आपको नहीं बताऊंगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये परंपरा से चली आ रही है। ये बात मूल सर्वज्ञ देव की, गणधर देव की और तदुत्तर आचार्यों की, उनकी परंपरा से जो चलकर आई है वो बात है, इसलिए ये बात केवली, शुद्ध केवली द्वारा कही गई है। जैसे होता है ना, हम बात कहे और मैं उसके पीछे लगा दूं कि ये इनके द्वारा कही गई है, तो आपको उस बात का सुनने में, जाने में एक उसका प्रामाणिकता हो जाती है, उसका वेटेज बढ़ जाता है कि ये बात किसने कही है। अगर आपसे मैं कोई बहुत बड़ी बात कहूं और उसमें पीछे लगा दूं कि ऐसी नॉर्मल पुरुष ने कहा है, तो उसका वेट कम हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी प्रामाणिकता पे भी फिर संशय आता है। पर अगर ये कह दिया केवली, शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है, तो इस बात से, इस कहने मात्र से वो बात पूर्ण प्रामाणिक और बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाती है। ये इसके पीछे लगाने का ये उद्देश्य है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने केवली, श्रुत केवली ऐसा बहुत जगह कहा है, पूरे समय सार में आप देखना बहुत जगह आएगा, और जो हम 25 गाथाएं पढ़ने वाले हैं इसमें भी 25 में बहुत तीन चार गाथाओं में आपको मिल जाएगी ये बात। बार बार वे कहते हैं कि इस बात की प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, किसने कही, तो केवली, श्रुत केवली द्वारा कही गई है। ठीक है, इस तरह से हमने ये यहाँ पर प्रारंभ किया है। आज हम दूसरी गाथा से आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए आप दूसरी गाथा, मूल ग्रंथ में भी पेज नंबर 10 है और अनुशीलन में पेज नंबर 28 है। गाथा दो। अब जब आपने कहा कि मैं समय सार को कहूंगा, समय सार कहना चाह कहने वाला हूं, तो अब शिष्य को प्रश्न हुआ फिर समय क्या होता है।
आपको ध्यान होगा हमने समय के बहुत सारे अर्थ आपको बताए थे, समय सार के भी अर्थ बताए थे। तो यहाँ पर अब प्रश्न ये है, समय का अर्थ क्या होता है, समय किसे कहते हैं? अब यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव समय से जो समय का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे ये देखते हैं। समय में यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव द्रव्य लेकर द्रव्य अर्थ करेंगे और उसमें भी फिर आत्मा को समय बताएंगे कि आत्मा समय, जो हमने एक अर्थ किया था कि आत्मा समय होता है, तो अब उस आत्मा के दो भेद कर दिए हैं, उस समय के दो भेद हुए हैं, स्व समय और पर समय। स्व समय और पर समय, देखिए क्या कहते हैं इन गाथाओं में, निकाल लीजिए। जीवो चरित दंसन नानठ दो तम ही ससमयम जान, पोगल कम पदेश ठेदम च तम जान पर समयम, सद ज्ञान दर्शन चरित पर ही है स्व समय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रही बे पर समय। देखिए दो समय कर दिए, स्व समय और पर समय। हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि समय, किसी को बोलते हैं कि भाई समय बहुत खराब चल रहा है, तो एक को बोलते हैं हम अच्छा समय और एक बुरा समय, और उसमें भी हम देखें तो समय तो खराब नहीं होता। जब कोई काम खराब होता है, कोई हमारे साथ घटना दुर्घटना हो जाती है, तो हम उस समय को खराब कह देते हैं। समय थोड़ी खराब होता है कभी, समय कोई अच्छा होता है या खराब होता है क्या? या तो जब हमारा कार्य बन जाए, फायदा हो जाए, सब कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो हम उसी समय को अच्छा कहने लगते हैं, और कभी समय कभी किसी समय पर नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, रोग आ जाए, कोई वियोग हो जाए, तो हम उस समय को कहते हैं बहुत खराब समय। तो समय अच्छा या बुरा, क्या ऐसे अच्छे समय और बुरे समय को यहाँ पर स्व समय और पर समय कहेंगे कि नहीं? वो अर्थ नहीं है। फिर क्या है स्व समय और पर समय का मतलब? तो स्व समय और पर समय गाथा में ही आप देखोगे डेफिनेशन आई है, बहुत सिंपल है। आप गाथा की जो प्राकृत भाषा होती है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं ऐसी भाषा होती है जो आम बोलचाल की भाषा थी उस समय, जिसमें ना कोई विशेष नियम लगते हैं, ना कोई आपको विभक्ति, ना कोई नियम, ना कोई ऐसे कुछ आदि याद करने पड़ते हैं, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। जैसे जीवो चरित दंशन, मतलब आप देख रहे कि जो मूल शब्द है वो दर्शन है और उसका एक तरह से बिगड़ा सा रूप है, चरित्र दंशन, ऐसे बन गई प्राकृत। ये आम बोलचाल की भाषा थी, जिसको और मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से आप जब कभी बुलवाओगे, उनसे आप बुलवाओगे आत्मा, तो बोलेंगे आदा, वो बन गया प्राकृत। आप बच्चों से बुलवाओगे चारित्र, वो बोलेंगे चरित्र, तो वो बन गई प्राकृत। मतलब बिल्कुल आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो होती है प्राकृत। अब आप इसको इस एंगल से समझना, हमें समझ नहीं आ रहा इस शब्द का क्या मतलब है, तो आप इसके ऐसे समझना कि ये बिल्कुल आम बोलचाल में बोली जाने वाली भाषा रही है प्राकृत। तो देखो आप अर्थ में आपको प्राकृत से निकालना सिखाता हूँ। जीवो चरित्र दंशन, जीव कौन, कि जो चरित्र में दर्शन में और नानी ठिदो मतलब ज्ञान में ठिदो स्थित है, मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, तम ही स समयम जाना, उसको स्व समय जानो, उसको स्व समय जानो। दूसरा पुग्गल कम पदेश ठिदम, जैसे पुद्गल किसी से साफ ना बोला जाए तो वो क्या बोलेगा, पुग्गल, तो वही सही है प्राकृत में, वही सही है पुग्गल, पुद्गल कर्म प्रदेश, पुद्गल कर्म प्रदेश ठिदम, पुद्गल कर्म प्रदेश में जो स्थित है, तम जान पर समय, उसको पर समय जान। कितनी इजी हो गई गाथा समझना, समझ में आया आपको गाथा से अर्थ नरेश जी? कि ऐसे प्राकृत को समझा जा सकता है,
जीवो चरित्र, जो जीव चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है उसको स्व समय जानो, और जो जीव उद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है उसको पर समय जानो। दोनों का स्वरूप भी इजी है, तो स्व समय और पर समय का ये परिभाषा हमको याद करनी है कि जो ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पद्य अनुवाद जो हिंदी का लिया है, हरि गीत, वो एक बार हम पढ़ेंगे, आप सब भी अपने अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्व समय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। अब देखो थोड़ा सा हम इसको अगर भावार्थ इसका समझे, स्व समय और पर समय। स्व समय का मतलब अगर हम शब्दार्थ देखेंगे तो अपना समय, और पर समय मतलब दूसरे का समय। इसको अगर ऐसा कहा जाए कि जो समय हमने अपने में लगाया है, जो समय हमने खुद में लगाया है, खुद के लिए लगाया है, वो स्व समय है, और जो समय हम दूसरों के लिए लगाते हैं, जो पर के लिए लगा रहे हैं, जो पर में लगा रहे हैं, वो हो गया पर समय। ऐसा भी हम समझ सकते। तो आप कहोगे हम तो खुद के लिए बहुत समय लगाते हैं, पहले नहाने में, फिर तैयार होने में, फिर अपनी एक्सरसाइज में, फिर अपने खाने पीने में, अपनी मेंटेनेंस में। तो यही हुआ कि नहीं सरिता जी, अपना समय ये तो स्व समय ही हुआ। नहीं सर, वो नहीं होगा, वो तो पर हो गया क्यों, आप अपने लिए तो कर रहे हो, जो दूसरे के अपने लिए के नहीं लिए। कर रहा मान लो अपने लिए करता है, मान लो आप दूसरे के लिए भी करते हो, पर जितना समय आपने खुद को ध्यान रखने में, एक्सरसाइज में, फूड और सब चीजों में लगाया, वो तो स्व समय ही कहलाएगा। यहाँ स्व समय का मतलब अपना दर्शन ज्ञान से रिलेटेड, नहीं आत्मा से रिलेटेड। तो हमारा मतलब कौन सा समय खुद में लग रहा है कि कोई भी नहीं लग रहा, कोई भी नहीं लग रहा, इसका मतलब ये हुआ। मतलब आप देखो इसको हम थोड़ा सा वैसे भी समझ सकते हैं कि हम सबको एक शिकायत रहती है, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला गया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो आप पूरे दिन का 24 घंटे का 5 मिनट बैठ के अपना रात को या दिन के एंड में आप उसका अवलोकन करिए और देखिए कि जो हमारा समय है वो हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, हम उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। अभी मैं मतलब इस आत्मा के उससे नहीं, एक जनरल बात भी कह रहा हूँ, हमारा मैक्सिमम समय कहाँ जाता है। हो सकता है धन कमाने में चला जाता है मेजोरिटी पोर्शन की, भाई किसकी 8 घंटे की जॉब है, किसी की 10 घंटे की जॉब है, पूरा उस पूरे टाइम में चला जाता है। हो सकता है किसी का जो हाउस होल्ड करते हैं उनका सारा मैक्सिमम समय घर के काम में चला जाता है, परिवार की देख रेख में चला जाता है, और फिर कुछ समय बचता है तो इधर उधर की बातों में चला जाता है, किसी की बुराई में, किसी की अच्छाई में चला जाता है, और कुछ बचता है तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने में चला जाता है कि भाई थोड़ा सा हम घूमेंगे भी, फिर उसमें चला जाता है, और थोड़ा सा कुछ बचता है तो वो फिर मोबाइल है, वो बचने नहीं देता, मोबाइल में चला जाता है, स्क्रॉलिंग में चला जाता है, और फिर थोड़ा सा बचता है तो फिर नींद भी है, सोना भी जरूरी है, आराम भी करना पड़ता है। तो इतना इतना करने करने पर क्या बचता है कि कुछ भी नहीं बचता। अगर हम इतना सब करने पर ये पूछते हैं कि अब क्या समय, अब तो और कुछ बचेगा और वो अपने पे लगाओ, तो पता चलता है कि समय ही नहीं बचता, समय ही नहीं। मतलब हम अगर पूरे अपने 24 घंटे के दिन का पूरा वो करेंगे, एक नोट डाउन करेंगे, एक उसको देखेंगे, तो आप सोचिए कितना समय हमारा खुद के लिए जाता है और कितना समय दूसरों के लिए जाता है। अभी मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, खुद का मतलब सेल्फ के लिए भी अगर देखा जाए तो बहुत कम जाता है, हमें टाइम ही नहीं है खुद के लिए, हम अपना समय सारा का सारा पर में, परिवार में, धन आदि में, अपने सब बिजनेस में या उन सब में मैक्सिमम स्पेंड करते हैं, और फिर नेचुरली समय नहीं मिलता है, और फिर यही होता है कि समय नहीं है अपने लिए। वो ही समय अपना है जिसमें हमने अपने लिए कुछ किया, अपने लिए किया मतलब कि हमने
जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य से कहूं तो हमने स्वाध्याय किया, आत्मा को जानने का प्रयास किया। 2 मिनट 5 मिनट हमने ध्यान किया आत्मा का, या हमने सामयिक किया, हमने थोड़ी देर मेडिटेशन किया। ये जो समय जाता है ये अपने लिए, क्योंकि हमने उस समय पूरी तरह से अपने को वो समय दिया है। और यहाँ तो उससे भी एक कदम आगे चल के बात ये कह रहे हैं कि इससे भी आगे जो समय अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित हुए वो समय स्व समय है। उसके अलावा आप पुद्गल प्रदेशों में स्थित होंगे, मतलब अपने शरीर की भी अगर अपने समय लगा रहे हो, एक्सरसाइज में, खाने में, संभालने में, नहाने धोने, तैयार होने, ये सब खुद के लिए है क्या कि नहीं? ये भी शरीर में स्थित हो गया, इसलिए कहा पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित, चाहे वो नौ कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, वो भी समय पर समय है कहा जाए। सरिता जी आप कुछ पूछें। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, तो प्रभाव में रहते हुए स्वभाव में नहीं रहा जा सकता है क्या? जैसे अभी अपनी जड़ की क्रिया, जो भी पुद्गल की क्रिया है, वो तो चलती रहती है, तो उसके साथ ही साथ नहीं हो सकता है वो? क्योंकि बहुत बार यदि हम सब कुछ छोड़ के भी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो जरूरी नहीं है ध्यान उसमें भी लग जाए। वो तो देखिए पर भाव में, मतलब ये आप पर क्रिया कहिए कि जितनी पर की क्रिया कार्य करते हुए भी क्या हम अपने आत्मा को नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल उसका हम श्रद्धान, उसका ज्ञान कर सकते हैं, उसमें लीनता हो सकती है। पर क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हमारी प्रैक्टिस इतनी कम है कि हम जब आत्मा को जानने के लिए बैठते तो भी नहीं जान पाते, तो दूसरे कामों में करते हुए कैसे होगा? आप सोचिए कितना फोकस चाहिए। पर्टिकुलरली यदि वो करने बैठे तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कुछ करते करते थोड़ा सा पॉसिबल लगता है कभी कभी पॉसिबल मुझे। लगता है पर होता कितना है, किया कितना है? पॉसिबल तो है, जितने ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं वे सब ये सब कार्य करते हुए भी अपने उस आत्मा की रुचि को, उस श्रद्धान को छोड़ते नहीं है। निरंतर उसकी रुचि लगी रहती है, निरंतर वो उसी के उसी में एक तरह से लीन होते हैं, उसी में उनको आनंद आता रहता है, मतलब उसी को सोचते विचारते रहते हैं। पर वो अभ्यास से प्राप्त होता है, प्रैक्टिस। अब जैसे आपको अपने घर के बारे में, आप चाहे मान लो दर्शन कर रहे हो तो आपको दर्शन मंदिर के, भगवान के दर्शन करते हुए अपने बच्चों का या घर के बारे में याद आ जाता है ना, वो ये है प्रैक्टिस। क्योंकि हमें अनादि से इसकी प्रैक्टिस हुई भी है, वर्षों से इसकी प्रैक्टिस है, तो आपको उसके सोचना नहीं पड़ता, एकदम फेस आ जाएगा, एकदम उसका सब, एकदम उसकी चिंताएं आ जाएगी, एकदम क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, क्या करना है, ये आ जाएगा। ये प्रैक्टिस जब ऐसी आत्मा में हो, काम चल रहा है, आपका दर्शन बिल्कुल बराबर चल रहा है, सामने से देखने में आप बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पर अंदर में जो वो ध्यान आया, इसका नाम होता है ध्यान। बिना सोचे, बिना उसके लिए बहुत एफर्ट्स करे, तो ऐसा जब आत्मा पे हो तब हो सकता है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी प्रैक्टिस हो तो बहुत अच्छी बात। सर, इसमें ध्यान में निर्विकल्प अवस्था ही होती होगी ना? नहीं, ध्यान में जो आत्मा का ध्यान है वो निर्विकल्प होगा, जिसमें आप आत्मा का ध्यान करोगे वो निर्विकल्प ही अवस्था होगी, चाहे थोड़े समय के लिए हो, क्योंकि आत्मा एक निर्विकल्प तत्व है। अब जिसका ध्यान करोगे वैसे ही तो विचार आएंगे, तो आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकल्प वस्तु है, तो उसको कोई प्रकार के विकल्प नहीं आते हैं। इस तरह से समझ में आया आपको? अब कौन, अब आप सोचो थोड़ा सा, इससे हम मोटिवेट होना चाहिए कि हमें अपना समय कहाँ लगाना है। आप में से सबको ये परेशानी तो होगी कि समय नहीं है लाइफ में आपके, या कोई है जिसको बहुत समय है कि हमें तो बस यही शिकायत होती है कि समय नहीं है, कोई बहुत समय वाला कि नहीं, सब सबको समय नहीं है। पर यहाँ कह रहे हैं कि समय तो उतना ही है, मतलब जैसे मोटिवेशनल वाले बताते हैं ना कि समय तो उतना ही है, आप उसको कहाँ लगा रहे हो ये आप पे निर्भर करता है। ऐसे कह रहे हैं समय तो सब जीव है, सब आत्मा समय है, पर कौन पुद्गल में स्थित उसको लगा रहा है
और कौन उस समय मतलब आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चैत में स्थित हो रहा है, डिफरेंस इतना है बस। इसी से स्व समय और पर समय दो भेद बन जाते हैं। क्लियर हो गए? चले हम टीका की तरफ। टीका पढ़े, आप में से ही कोई पढ़िए, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करता चलूंगा। सर मैं पढूं? सर हाँ पढ़िए। यहां से पढ़ना है जो जीव दर्शन ज्ञान। ठीक नहीं आपको ये पढ़ना है, आप अनुशीलन से पढ़ रहे हैं। जी। ठीक हाँ ये आप पढ़िए, पेज नंबर 28 से सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, समय शब्द का भाव। हाँ समय शब्द का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। समय शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ए धातु से बना है। ए का अर्थ गमन भी होता है और ज्ञान भी होता है। सम का अर्थ एक साथ होता है। इस प्रकार जिस वस्तु में एक ही काल में जानना और परिणमन करना ये दोनों क्रियाएं पाई जाएं, वह ही समय है। क्योंकि जीव प्रति समय जानता भी है और परिणमन भी करता है, अतः जीव नामक पदार्थ ही समय है। वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अनंत धर्मों के अधिष्ठता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है, क्रम और अक्रम से प्रवट होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने जो पर्याय वाला है, स्वयं पर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है, जिसने अन्य द्रवों के हाँ जो विशेष गुण हाँ हैं। देखिए पहले इतना हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करी है कि सम प्लस अय, समय शब्द किससे बना है? सम प्लस अय। अय जो धातु होती है उसके दो अर्थ होते हैं, एक गमन करना और एक जानना। तो पूरे 6 द्रव्यों में एक आत्मा ही ऐसा द्रव्य है जो गमन भी करता है और जानता भी है। पुद्गल है, गमन करता है पर जानता नहीं। आत्मा है जो जानता भी है और गमन भी करता है। गमन मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सम्यक प्रकार से जो गमन करे और जो जाने मतलब परिणमन करे, गमन मतलब परिणमन भी लगेगा, कि जो जानना और परिणमन जिसमें एक साथ होता है सम्यक प्रकार से, वह आत्मा ही जीव नामक पदार्थ ही समय है। तो ऐसा ये इसीलिए यहाँ पर ये कह दिया। तो अब इससे हम जितनी अब आगे की इस पूरे ग्रंथ में या फिर अभी यहाँ पे इस दूसरी गाथा में जहां जहां समय की बात चलेगी उसका अर्थ आपको आत्मा लगाना है। समय के हमने जितने सारे अर्थ देखे थे वो सब नहीं लग के, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अर्थ कंसीडर करना है? सिर्फ जो जाने भी और जो परिणमन भी करे। तो एक ही द्रव्य ऐसा है, वो है जीव। अब यहाँ पे उसके जीव के बारे में बताना शुरू कर दिया, कैसा है वो जीव। तो पहले पैराग्राफ में जीव के बारे में कहा, मतलब समय के बारे में। फिर दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में, दूसरे में स्व समय और तीसरे में पर समय बता दिया। ठीक है, आप ऐसे डिवीजन करते जाओगे तो आपको बहुत सारा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा नहीं लगेगा कि बहुत सारे पेजेस है। और ये मेन मेन पॉइंट्स हम देखते चल रहे हैं और टीका हम पूरी समझ रहे हैं। समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद वह द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण सत्ता से, मतलब ये पहला पॉइंट दिया है कि बस आप देखो ये पॉइंट्स है, नोट भी कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। जीव नामक समय पदार्थ, ठीक है, हाइफन वो डालिए। और पहला पॉइंट है उत्पाद वह द्रव्य सत्ता युक्त, ये पहला पॉइंट हो गया उसका, उत्पाद वह द्रव्य सत्ता वाला है। ठीक है, दूसरा चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप। दूसरा हो गया कि चैतन्य ज्ञान दर्शन वाला
मतलब चैतन्य स्वभाव ही होने से निर्मल ज्ञान दर्शन ज्योति है, दूसरा पॉइंट हुआ ये। तीसरा, अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है, मतलब अनंत धर्मों का स्वामी। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, जिससे और ज्यादा लैंग्वेज आपको टफ ना लगे। अनंत धर्मों का स्वामी होने से, तीसरा हो गया। चौथा, क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाले होने से जो गुण पर्यायवाची, मतलब शॉर्ट में सिर्फ इतना लिखना है, क्रम और अक्रम गुण पर्याय वाला है। क्रमशः हो गए पर्याय और अक्रम से हो गए गुण, तो गुण पर्याय वाला चौथा पॉइंट। चार पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, स्व पर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला एक रूपता है जिसमें, मतलब स्व पर के प्रकाशन करने में समर्थ, पांचवा पॉइंट। नेक्स्ट, अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण है, अवघानत्व, गति हेतु, तो स्थिति हेतु, तो वर्तना हेतु, तो रूपित्व के अभाव से और असाधारण चैतन्य रूप के सद्भाव से, धर्म अधर्म, आकाश धर्म अधर्म, काल पुद्गल, इन पांचों द्रव्यों से अन्यत्व भिन्न है। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, पर इसमें बात इतनी सी है कि अपने असाध अपने गुण से तो अभिन्न है, और पुद्गल के या धर्म अधर्म आकाश काल इन सब से, इन सब द्रव्यों से और इनके गुणों से भिन्न है, भिन्नत्व है इनसे। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ। कितने पॉइंट्स हो गए? सच्चे हो गए। छह हो गए, बिल्कुल सही। इसके बाद फिर बस ये कहा लास्ट पॉइंट कि वे जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्र अवघात से संबंधित होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने के कारण टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव वाला है। लास्ट पॉइंट है, वह टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव वाला है। सात पॉइंट हो गए। ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। क्लियर हुआ आपको? सात पॉइंट में आपको जीव की व्याख्या, समय की व्याख्या, समय के बारे में लिखना आए कि वह जीव नामक समय कैसा है, तो आप ये बता सकते हो। आपका तो वैसे भी पेपर सारा ऑब्जेक्टिव ही होता है, पर हमें पता होना चाहिए कहाँ से आई है बात। हेडिंग भी आप इस टीका में डाल सकते हो या इस पैराग्राफ में कि समय नामक जीव का अर्थ या समय नामक जीव की विशेषताएं। ठीक है, अब इसके बाद अब स्व समय किसे कहते हैं? तो आपने समय बता दिया, स्व समय। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब यह समय सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति का उदय होने से सभी द्रव्यों में अपनापन तोड़कर अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसकी, ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, तब ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ स्व समय कहलाता है। तो स्व समय किसे कहा? तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि जो ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित होता है वो स्व समय। अब ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित होने का क्या अर्थ है? कि ज्ञान पे बैठ जाए, दर्शन पर बैठ जाए कि नहीं? ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होने का बहुत अच्छा इजी अर्थ ये किया है कि सभी पदार्थों से अपनापन तोड़कर अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने आत्म तत्व में एकाकार प्रवृत्ति करना। एकाकार मतलब पर से अपनापन तोड़कर और अपने में अपनापन करना, इसका ये नाम है। कहाँ पढ़ रहे हैं? उसी पैराग्राफ के आगे पढ़ रहे हैं जो हमने पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, उसी के नीचे है। मिला? वही है पेज नंबर, आप अनुशीलन से देख रहे हैं तो पेज नंबर 29 पे है। हाँ, पेज नंबर 29 नीचे से सेकंड लास्ट। जब यह समय सब पदार्थों को, इसमें लिया है स्व समय का। तो स्व समय का अर्थ क्या हो गया कि पर द्रव्यों से अपनापन तोड़कर एकाकार रूप प्रवृत्ति करने रूप
ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होना इसका नाम है स्वस्थ। समझ में आ गया। और अब अगले पैराग्राफ में लास्ट जो है उसमें लिया है पर समय, इसी से बता दिया कि जब यह समय मतलब जीव अनादि अविद्या रूप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वैसे, केले की मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकत्वता एकता रूप लीन होकर प्रवृत्त होता है, तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत में पर में एकाकार होकर जानता और परिणमता हुआ होता पर समय कहलाता है। अब पर समय के लिए क्या कह दिया शॉर्ट में, तो यही है कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से, पर पुद्गल ये क्वेश्चन आएगा कि पुद्गल कर्म में के प्रदेशों में स्थित होने का क्या अर्थ है, तो कहा मोह राग द्वेष मतलब अपने आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप लीन होना, उनको अपना मानना, कि आत्मा को तो अपना नहीं माना उससे तो अपनापन तोड़ दिया, पर द्रव्यों से मोह राग द्वेष भावों से अपनापन किया, इसका नाम है पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना। तो इससे यहाँ पर कह दिया उसका नाम है पर समय। और एक देखो एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, केले के मूल की गांठ के समान। आपने कभी केले का पेड़ देखा है, केले का पेड़, और केले के पेड़ में एक उसको उगाने की एक पद्धति होती है कि भाई जैसे हमें केला, केले में क्योंकि बीज तो होती नहीं है, केले में बीज नहीं होती, तो केले के पेड़ में ही मतलब उसके पेड़ की जो टहनिया आदि होती है उसमें ही एक ऐसी गांठ होती है, उस गांठ को ही दोबारा जब गाड़ दिया जाता है, उसको ही जब दोबारा से जमीन में उगा दिया जाता है, फिर से वह पुनः केले के रूप में वो वृक्ष बनता है। तो केले का एक गांठ, केले के मूल की एक गांठ को यहाँ पर उदाहरण दिया कि ये मोह के समान है। मोह ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी रह जाए फिर मोह से मोह निकल उत्पन्न होता रहेगा, फिर उसके उदय से फिर जैसे द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, तो ये चलता रहता है। ऐसे ही ये केले की मूल की पुनः नया 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 पैदा करती रहती है, और ऐसे ही मोह को कहा गया है, ये मोह जो है ये अनादि से संसार में अविद्या का कारण है, अज्ञान का कारण। अविद्या मतलब अज्ञान का कारण होने से, इसके कारण से ये जीव आत्मा से अपनापन तोड़ता है और मोह राग द्वेष भावों से अपनापन करता है, इस कारण से ये पुद्गल प्रदेशों में स्थित कहलाता है, जिसको पर समय कहा जाता है। समझ में आया आपको पर समय किसे कहा हाँ है? पर समय और स्व समय में डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। जी अनुशीलन में आप देखोगे पेज नंबर 30 पर वो 7 पॉइंट दिए गए हैं, जीव नामक समय के विशेषताएं 7 पॉइंट्स पूरे दिए गए हैं शॉर्ट में, दिख गए? तो ऐसे आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं, मतलब ऐसे आप तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल, पूरी गाथा में क्या बातें ली, समय के विशेषण लिए जीव नामक समय के, समय किसे कहते हैं, फिर स्व समय पर समय किसे कहते हैं, ये दो बातें इसमें ली गई। चले आगे, अगला गाथा नंबर 3, गाथा नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहां पर बता रहे हैं कि दो समय आपने बताए, स्व समय पर समय, अब आप ये बताओ कि मैं कौन सा समय हूं, समय का सार कौन सा समय है, मतलब कौन से समय में हमें लीन होना है, स्व समय में होना है पर समय में होना है। तो दो समय जो कहे गए हैं उनको यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरी गाथा में सुनिए, एयतन छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंद कहाए यत्ते तेन विसंवादिनी होदी।
एकत्व बहुत निश्चय गत समय ज्यादा सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है प्रबंध की, यह कथा ही एकत्व में। नरेश जी आप पढ़िए मूल प्राकृत वाली गाथा एक बार। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। यतनी छयग दो सम ओ सवत सुंदरो लोवे बंद का ए ते तेन विसंवादिनी होती। हाँ पढ़ा आपने, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है, पर लय अलग है क्योंकि गाथा छंद है ये। और ये जो लय होती है जी, वही लय होती है जो हम नमोकार मंत्र जिसमें लिखा गया है, जैसे बोलते हैं नमो अरिहंतानम, इस तरह से एयतनि क्षय गरो समो सवत सुंदरो लोए बंद कहाए यते तेन विसंवादिनी हो दी। आप देखेंगे जो हमने पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ा वो सब इसी लय में है। उसमें पढ़ा था ना, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, इस तरह से वहां पे भी छंद है। तो ये लय हमें बिल्कुल अच्छे से याद होगी। गाथा इसको आर्य छंद कहते हैं, आर्य छंद गाथा की इसमें लय होती है। और कोई पढ़ेगा आपने से, और कोई सर मैं पढ़ू? पढ़िए पढ़िए सरिता जी आप। एकत्व नहीं निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर प्राकृत लो। प्राकृत वाली, प्राकृत वाली प्राकृत वाली। हाँ सर एक बार आप बताइए मैं क्या। मूल वाली गाथा पढ़नी है आपको, उसको दोबारा पढ़ूं? हाँ एक बार। हाँ नंदिता जी आप बताइए। तनि छयगदो समो संवत्थ सुंदरो लोए बंद कहाए यत्ते तेन वी संवादिनी होवी। हाँ थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल हम फ्लो में पढ़ेंगे तो पूरा आपको आ जाएगा। देखिए एयतनि क्षय गरो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा एयते तेन विसंवादिनी हो दी। पद्य अनुवाद जो हिंदी वाला है वो तो उसकी एक ही लय है, मतलब आप उसको ऐसे ही पढ़िए, मतलब उसमें भी बहुत तरह से, पर हम ये वाली कर सकते हैं बहुत स्लो से, आपको इजी रहेगा जो आप पढ़ रहे थे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है प्रबंध की, यह कथा ही एकत्व में। तो क्या कह रहे हैं इस गाथा में, इस पूरी गाथा में हम ये देख सकते हैं कि पूरा ये बता रहे हैं कि दो समय और पर, जो दो समय लिए हैं स्व समय और पर समय, इनमें क्या दिक्कत है। तो एकत्व निश्चय गत समय, पहले आप देखो प्राकृत से एयत्व निश्चय गदो, अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या निकल रहा है, क्या शब्द का है ये, एयत्व मतलब एकत्व निश्चय गत समयो, समो मतलब समय, क्या है सवत्त सुंदरो लोहे, कैसा है बिल्कुल वो सर्वत्र सुंदर है लोक लोक में, लोक में वह बिल्कुल सर्वत्र सुंदर है। और कैसा है कि बंद कहा एयत्ते, जो बंद की कथा है एयत्ते मतलब एकत्व में, एकत्व में जो बंद की कथा है तेन, वो क्या है उसके द्वारा क्या होता है विसंवादनी होगी, वो क्या है विसंवाद करने वाली है, विसंवाद पैदा करने वाली है, मतलब झगड़ा पैदा करने वाली है। कुल मिला के यहाँ पर बात ये कह रहे हैं कि जो एकत्व निश्चय समय है वो तो सर्वत्र सुंदर है, जो एक है वो सुंदर है, और जहां पे ये दो हो पंचों गए, का कमरा रहने दियो। जहां पर दो हुए हैं, जहां पर दो पना है वहां पर कह दिया कि विसंवाद हो,
बंद मतलब बंद, मतलब बंद किसमें होता है, दो में होता है, दो चीजों में, जहां दो हो गए एकत्व में, जहां दो पना आ गया वहां पर विसंवाद होगा, झगड़ा होगा, द्वंद होगा, ऐसा इस गाथा में बताया। तो देखो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि एकत्व को सुंदर कहने का क्या मतलब है। अब देखो इस पूरे विश्व में जितनी वस्तुएं हैं, जितने द्रव्य हैं, वो सब अपने अपने स्वभाव में लीन है, अपने अपने स्वभाव को प्राप्त है, और जो जो वस्तु एक होती है वो सुंदर होती है। सुंदर का मतलब क्या होता है? जो आंखों को देखने में सुंदर लगे उसका नाम सुंदर नहीं है? फिर तो आपका सबके लिए सुंदर की परिभाषा अलग हो जाएगी। हो सकता है आपको जो सुंदर लगे वो मुझे ना लगे, और जो मुझे सुंदर लगे वो आपको ना लगे, या जो आपके लिए सुंदर हो वो आपके दूसरे आपके परिवार के लिए सुंदर ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए सुंदर क्या है, बताओ। तो एक जो अपने स्वचतुष्टय में ए, रहकर बिहेव करे। एक जो बालक है जो बहुत काला हो, मान लीजिए उसकी माँ के लिए वो सुंदर है या नहीं, उसकी मम्मी के लिए वो सुंदर है या नहीं, वो भी उसे कहती है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। अब सुंदर की क्या परिभाषा होती है, क्या होना चाहिए, सुंदर कौन होता है? नरेश जी किसको सुंदर कहा जाएगा? जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे हाँ, उसे। जो मन को अच्छा लगे वो सुंदर है। जो अच्छा लगे। और कुछ विनीता जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, यही कह रही थी, जो मन को अच्छा लगे, मन जो मन को अच्छा लगे। तो को भाने वाला। फिर मैं ये पूछता हूँ कि फिर तो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सब कुछ सुंदर हो ही, मतलब हम कह ही नहीं सकते कि ये वस्तु सुंदर है या ये नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी चीजें अच्छी लगती है। जो अपने स्वचतुष्टय में रहकर बिहेव करे। अभी हम आएंगे इस अर्थ पे तो आएंगे, अभी जनरल बात कर रहा हूं मैं, अभी इसमें टीका में आएगा ये अर्थ कि सुंदर जो हम कहते हैं कि ये सुंदर नहीं है, ये बहुत सुंदर है, हम अपने को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते, तो लोक में भी सुंदर जनरली क्या कहा जाता है कि शक्ल से नहीं होते, गुणों से होते, मतलब गुण जिसमें पाए जाए वो सुंदर है। और देखो ना आप, जैसे आप किसी से भी संबंध बनाना हो, किसी को भी आपको वो करना हो, तो किससे करेंगे, जो शक्ल से सुंदर हो या जिसमें गुण हो? गुण को लोक में माना जाता है ना सुंदर, एक मतलब कि भाई शक्ल तो बहुत सुंदर है और आता कुछ ना हो तो उसको कौन सुंदर मानेगा, उसको कोई सुंदर नहीं मानेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझना, गुण से सुंदरता है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें गुण नहीं है, कौन सी वस्तु नहीं है? है कोई ऐसी कि कोई नहीं, सब वस्तु में गुण है? इसका अर्थ हुआ कि पूरे विश्व में जो सब सुंदर है, ये अच्छी नहीं है, बुरी है, बुरी है, या फिर ये सब तो सिर्फ हमने अपने नजरिए से बनाया है डिफरेंस। हर वस्तु सुंदर है, जो वस्तु अपने गुणों में है, मतलब जिसमें गुण है, और जो अपने गुणों में स्वचतुष्टय में बिहेव करे, जो आप कहा, और जो उसमें लीन रहे, उसको प्राप्त रहे, वो सुंदर है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत अच्छा मोबाइल है आपके पास, बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम मान लीजिए गोल्ड से बना हुआ हो, डायमंड से उसमें जड़ा हुआ हो, ऐसा मोबाइल है, बस एक प्रॉब्लम है, वो चलता नहीं है, काम नहीं करता, कॉल नहीं आएगी, मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते, बस गोल्ड से स्टडेड है, गोल्ड डायमंड से स्टडेड है वो, क्या अब वो सुंदर है कि नहीं? सर वो सुंदर तो है पर काम का नहीं है। सुंदर तो है पर काम का नहीं, हम यही बोलेंगे सबको कि सुंदर तो है पर काम का नहीं। फिर उसे मोबाइल कहोगे क्या? वो तो एक डमी हो गया, वो तो एक शोपीस हो गया, मोबाइल क्या हुआ? वो मोबाइल कहलाने लायक नहीं, मतलब जो अपना काम ना करे, जो अपने गुणों से युक्त ना हो, जो अपने स्वचतुष्टय में ना हो, वो वस्तु सुंदर नहीं है, चाहे कितनी सुंदर बना लो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो जो बहुत सुंदर है? ऐसे नहीं डॉक्टर के पास सर, जाना चाहते हैं कि जो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एकदम एकदम जिसको देख के अच्छा लग जाए, ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ऑपरेशन कराने, इलाज कराने? किसके पास जाना चाहेंगे?
कि नहीं, ये डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, पर सुंदर नहीं है, नहीं जाओगे ना ऐसे डॉक्टर के पास? नरेश जी, ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे कि जो सुंदर नहीं दिखते हो, नहीं जाओगे? बताइए, कि जो दिखने में सुंदर ना लगे पर जो मान लीजिए अपने गुणों में बहुत एक्सपर्ट है, जिनमें बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है, एक एक सिटिंग में या मतलब एक अपॉइंटमेंट में जो कर देते हैं रोग दूर, या जिनको एकदम रोग पकड़ में आ जाता है, फिर उनकी शक्ल कैसी भी हो, फिर उनकी चाहे सुंदर हो या ना हो, काले हो, गोरे हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? गुण, उनका कार्य जो, और एक दूसरा व्यक्ति है बहुत सुंदर दिखता है और डॉक्टर के कपड़े भी एकदम वेल तैयार है बिल्कुल, पर एमबीबीएस नहीं करी, मतलब ऐसे के पास कौन कौन जाएगा? अरे बिल्कुल एकदम मान लो कामदेव जैसा, ऐसे डॉक्टर, अब उससे कौन कौन कराएगा इलाज, कौन कौन अपना उससे ऑपरेशन करा सकता है? बताओ नंदिता जी, चलेगा ऐसे? क्या देखा जाता है, आप उसमें क्या देखते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करने में? उनके काबिलियत के क्या पढ़े हैं कि उनकी हिस्ट्री मतलब हाँ, उनके हाँ उनका हिस्ट्री देखी जाएगी, उनकी उनकी मतलब स्पेशलिटी देखी जाएगी, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, ये सब चीजें देखते हैं, उनका सक्सेस वो देखा जाता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है वो सुंदर है या नहीं। इसका मतलब यदि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से जानते हैं, अपने काम के एक्सपर्ट है, तो वो सुंदर है। तो यहाँ सुंदरता की डेफिनेशन ही बदल गई, मतलब समय सार में हमें सुंदरता का एक देखने का नजरिया दे दिया कि हम जिसको सुंदर मान रहे हैं, कह रहे हैं, जिसको सुंदर बनाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, वो तो कभी सुंदर हो गई नहीं, और वास्तव में जहां से सुंदरता है वो हम जानते नहीं। हर वस्तु सुंदर है, हर द्रव्य जो अपने आत्म अपने अपने स्वरूप में सुंदर है। मैं पूछता हूं, नीम सुंदर है या नहीं है? जहर सुंदर है कि नहीं? प्योर जहर होता है कोई? प्योर जहर, शुद्ध जहर, अगर मैं बोलूं शुद्ध जहर किसे कहेंगे? मिलता है शुद्ध जहर कहीं पे? कि हाँ मिलता है शुद्ध जहर, यदि आपको कहा जाए किसी के लिए शुद्ध जहर लेकर आना है आपको, क्या क्या लाएंगे? ये शुद्ध भी होता है क्या जहर? कि हाँ, कि जो अपना काम अच्छे से करे, जिसका काम मृत्यु है या मारना है, जो काम उसको बराबर करे, उसका नाम है शुद्ध जहर, वो है प्योर। अब वो भी अच्छा है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। अब एक ऐसा जहर ला के दिया जाए आपको, बहुत मीठा लगे और वो मृत्यु का काम ना करे, तो वो प्योर कहलाएगा जहर भी? नहीं कहलाएगा। तो हर वस्तु जो अपने कार्य करती है, अपने एकत्व में लीन होती है, अपने ही द्रव्य, अपने निश्चय को प्राप्त होती है, वास्तव में वो वस्तु ही सुंदर है लोक में। समझ में आया आपको? कुछ नजरिया हमारा बदलना चाहिए कि वास्तव में सुंदर कौन होता है। सब फिजिकल सुंदरता को ही सुंदरता मानते हैं और उसी से सब कुछ मानकर भ्रमित होते हैं, और उसी से मतलब बहुत ज्यादा, आप सब जानते ही हैं कितने परेशान हैं लोग और सब क्या क्या करने के लिए तैयार होता है इस सुंदरता के लिए, पर वास्तव में गुण ही सुंदरता है। यहाँ एक और चीज जुड़ रहे हैं कि जो द्रव्य अकेला है, अपने आत्म स्वरूप में लीन है या अपने स्वचतुष्टयों में लीन है, प्राप्त है, वो सुंदर है, और जहां दो हो गए वहां असुंदरता है, मतलब वहां पर विसंवाद है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे जहां मिलावट है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूं, आप जैसे मान लीजिए एक आपने दूध है और बिल्कुल एकदम शुद्ध है, मर्यादित दूध है, शुद्ध एकदम, और एक तरफ छना हुआ पानी है, दोनों अपने आप में जब अलग अलग है तो वो क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, अच्छे हैं, और यही इन दोनों को मिला दिया जाए, आपको ऐसा दूध दे दिया जाए जिसमें पानी पानी है, लेना चाहोगे? नहीं, हम दूध लेते हुए तो ऐसा सोचते हैं कि भाई
पानी कैसे ले ले, पानी के बिना वाला होना चाहिए, पानी तो नहीं मिलाया ये भी उसी में था तो। कि नहीं, उसमें हमने शुद्ध पानी मिलाया बिल्कुल एकदम, बोलो एकदम छना हुआ बॉइल्ड वाटर मिला के आपको दूध दे रहे हैं, उसमें पानी है 50% पानी 50% दूध ऐसा दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई जहां ऐसा आपने मिलावट कर दी वहां ना तो पानी शुद्ध बचा और ना दूध शुद्ध बचा। जहां दो द्रव्य मिल गए, जहां दो की मिलावट हो गई, वहां पे अशुद्धता प्रारंभ होती है, वहां पे ही जहां मिलावट है वहां पे विसंवाद है, वहां पे झगड़ा है। जैसे बोलते हैं कि नहीं कि जब दो बर्तन होते हैं तो वो बजते हैं, तो जब अनेकता होगी तो फिर आपके ओपिनियन भी मैच नहीं होंगे। जब एक व्यक्ति हो, मान लो जब आप एक हो, तो आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, किसी को कंसीडर नहीं करना है, कोई वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आना है। पर जब दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, ग्रुप हो गया, जहां जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा हो गए, वहां पर उतने ज्यादा राग और द्वेष होता है कि नहीं? तो जहां अनेकता है पर के साथ संबंध है, वहां पर विसंवाद है, झगड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप समझिए, तो एकत्व निश्चय को जो प्राप्त है, ऐसे सब वस्तु, आत्मा को नहीं कहा, हर वस्तु लोक में सुंदर है। और जो बंध की कथा पैदा करने वाला है, वह बंध वह विसंवाद पैदा करने वाली है। बंध की कथा मतलब दो पने की चर्चा, जहां दो मिल गए। अब ये बात क्यों आई? ये बात इसीलिए आई क्योंकि बात चल रही थी समय की, समय सार की। आपने समय के दो भेद कर दिए, स्व समय और पर समय। तो आचार्य यहाँ पर ये कह रहे हैं जो इन दो भेदों में उलझ जाता है, स्व समय पर समय, ये आत्म प्रदेशों में से, ये पुद्गल प्रदेश, तो ऐसा जहां भेद हो गया वहां पर समझ लीजिए राग और द्वेष खड़े हो गए, झगड़ा खड़ा हो गया, विसंवाद खड़ा हो गया, विसंवाद उत्पन्न हो गया। और जहां पर दो है ही नहीं, सिर्फ एक आत्मा है, उसी में लीन होना है, उसी को समय सार कहा है। जहां एक ऐसा आत्मा कहा है तो कह रहे हैं वहां कोई भी संवाद नहीं है और वह लोक में सुंदर है। समझ में आ गई बात आपको? हर वस्तु सुंदर है, जो वस्तु अपना काम कर रही है वो सुंदर है। जैसे फूल होता है, एक रोज का फूल है वो तो सुंदर है ही, उसमें जो लगे हुए कांटे हैं ना वो भी सुंदर है। अब वो सर क्या आवाज, काट, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ी नहीं ठीक आ शुरू रही, इट्स क्लियर। शायद आपकी तरफ से एक बार चेक कर लीजिए सही। तो कांटे जो लगे हुए वो भी सुंदर है, वो क्यों सुंदर है? कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है फूल को गुलाब की रक्षा करना या उसको उससे बचाना, ये सब उसके स्वरूप है, तो वो उसमें सुंदर। नीम अपना काम करती है, कड़वाहट से सुंदर है, गुड़ शक्कर मिठास है, वो अपने स्वभाव को प्राप्त है, वो सुंदर है। ऐसे वस्तु जो अपने कार्य को कर रहे हैं, जो अपने स्वभाव अपने स्वचतुष्टय में प्राप्त है, ऐसी वस्तुओं को कहा जा रहा है सुंदर। क्लियर हो गया? एक बार मैं हरि गीत पढ़ता हूँ, फिर हम टीका पढ़ेंगे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की है कथा ही एकत्व में। टीका पढ़िए नरेश जी, आप पढ़िए। जी सर, आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और जीव लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। तात्पर्य यह है कि सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे।
अगला ही पढ़ लो सर। हाँ देखो, फर्स्ट पैराग्राफ अभी यहाँ तक हुआ जो बात हमने करी कि समय में, समय शब्द से यहाँ पर छह द्रव्य अर्थ कर दिया कि जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो। तो सिर्फ जीव नहीं है गुण पर्यायों को प्राप्त, सारे द्रव्य है। तो छहों द्रव्य, चाहे वह जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छहों द्रव्य समय है। और जो जो अपने एकत्व निश्चय को प्राप्त है, जो जो अपना काम कर रहे हैं वो सुंदरता को पा रहे हैं और अकेले ही शोभास्पद है। मतलब अकेला, अकेले रहना, अकेले होना ये वीकनेस नहीं है, अकेले होना ये आपकी शक्ति को बताता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अकेला है पर अकेला ही है, मतलब अकेला होने पर भी काफी है। अकेला होना या अकेलापन ये उस वस्तु की सामर्थ्य को बताता है, उसकी शक्ति को बताता है, पर्याप्तता को बताता है। तो ऐसे कह रहे अकेले होने पर शोभास्पद है, सुंदर है। अगला पैराग्राफ पढ़िए। इससे ये पुद्गल में कैसे लगेगा, मुझे समझा नहीं, अकेलापन जो है वो। पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को प्राप्त है, अपना काम कर रहा है, अपने अनुसार परिणमन कर रहा है, और अकेला मतलब परमाणु रूप रहता है। तो ये पुद्गल की सुंदरता है। पुद्गल जब जीव के साथ मिक्स हो गया, या जीव पुद्गल का मिक्स ये हुआ, तो ये उसके लिए भी असुंदरता हो गई, वहां उसके लिए भी असुंदरता दोपना हो गया। तो जैसे पेन है तो ये अकेला नहीं है ना, इसमें इंक भी है, मतलब मिला जुला है ना ये। हाँ मतलब आप तो बहुत स्थूल पेन देख रहे हो। पुद्गल कहा जाएगा पुद्गल के परमाणु को। पुद्गल के परमाणु वो होता है मूल पुद्गल, और वो हमेशा अकेला रहता है। अकेला रहता है तो ठीक है, पर अब उसमें जब उसमें स्कंद बन जाते हैं बहुत सारे परमाणु जुड़कर, तो उसको कभी पेन बन रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो उसका स्वभाव नहीं है। मतलब पुद्गल में सुंदरता उसके परमाणु की है। सर यहाँ अभिहित का मीनिंग क्या लेना है? अभिहित तो मतलब है यहाँ पर समझना कि समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं, मतलब बताना, समझना। और सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि हर वक्त टीका हम इसमें से ही पढ़ेंगे राइट? इसमें भी और ग्रंथ में सेम चल रही है बिल्कुल। तो सर आप हमारे पास दो हाँ ग्रंथ है, एक तो दोनों, एक ये है तो नहीं, ये वाला ये, नहीं चलेगा। हाँ और ये वाला तो ये भी नहीं चलेगा। कोई हमें जरा एक फोटो विद द ऑथर हमें नया मंगाना पड़ेगा, हाँ भेज देंगे, आपके ग्रुप पर भेज देंगे। तो कौन भेजेगा? नरेश जी आप भेज सकेंगे? आज पहुंच जाएगा सर से बात करके, या तो सर डाल हाँ देंगे, हम डाल देंगे। सर आप ही हाँ डाल दीजिए ना। हाँ मैं डाल दूंगा। तो हमारे पोर्शन में क्या है, वो ग्रंथ और ये अनुशीलन राइट? तो हाँ हाँ जी हाँ जी दोनों है। हाँ जी अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। पर रूप प्रणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं, और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये कह दिया कि जो सारे द्रव्य हैं वो क्यों समय हैं, क्यों सुंदर है, क्योंकि देखो सबसे पहले कहा कि अपने अपने द्रव्य में मग्न रहते हैं, अपने ही अनंत धर्मों के चक्र को स्पर्श करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने ही द्रव्यों को, अपने गुणों को, अपने धर्मों को ही वो टच करते हैं, मतलब उससे बाहर नहीं जाते। कहने का मतलब ये है अब द्रव्य कभी भी अपने स्वचतुष्टयों के बाहर नहीं जाता, एक दूसरे को आज तक कभी टच भी नहीं करता। एक क्षेत्रावघा में रहते हैं, मतलब एक क्षेत्रावघा में निकटवर्ती रहते हैं, तो भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। तीसरा, पर रूप परिणाम न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, मतलब एक क्षेत्रावघा रहने पर ऐसा लगता है कि वो दोनों अलग एक मिक्स हो गए,
पर मिक्स नहीं होते, अपनी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। मतलब व्यक्तिता मतलब पर्याय, द्रव्य की हर की पर्याय अपनी अपनी चलती है। जीव और पुद्गल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जीव और पुद्गल दोनों साथ में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं कि अनादि से रह रहे हैं, साथ में रहने पर भी दोनों कभी भी मिक्स नहीं होते। जीव की पर्याय अपनी चल रही है और पुद्गल की पर्याय अपनी चल रही है। आज तक कभी भी कोई ऐसा जीव नहीं हुआ जो थोड़ा सा पुद्गल बन गया हो, और कोई ऐसा पुद्गल नहीं है जो थोड़ा सा जीव बन गया। इसका अर्थ है कि अभी व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। ऐसे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित है, मतलब बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल पत्थर पे उत्कीर्ण कर दिया। टंकोत्कीर्ण कहते हैं जैसे पत्थर पे कुछ लिख दिया जाए, किसी दीवार पे लिख दिया जाए, किसी शिलालेख पर लिख दिया जाए, तो वो बहुत सालों तक, वर्षों तक, सदियों तक रहता है। तो ऐसे समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं। विरुद्ध अविरुद्ध मतलब कि सारे जो ये द्रव्य हैं, कि विरुद्ध अवरुद्ध मतलब परस्पर अपने गुण और धर्म, जो विरुद्ध होते हैं वो होते हैं धर्म, और जो अविरुद्ध होते हैं जिनमें कोई विरुद्ध पना नहीं होता वो होते गुण। ऐसे उनको धारण किए हुए वो द्रव्य पूरे विश्व को टिकाए रखते हैं, मतलब एक साथ रहने पर भी कोई झगड़ा नहीं। आप देखो ना, पूरा लोक है, 6 द्रव्य है, सब रह रहे हैं, और कितना मतलब ये कहे फ्रेंडली माहौल है, कोई किसी को दिक्कत ही नहीं। जीव अपना रहेगा, पुद्गल अपना रहेगा, धर्म अपना, अधर्म, आकाश काल, यहाँ तक कि सिद्ध शिला में भी देख लीजिए, जहाँ सिद्ध भगवान है वहां भी 6 द्रव्य रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आपस में वो नहीं। और हमारे यहाँ देखो कैसा है, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, जहां साथ में रहने लग जाए वहीं झगड़ा है, लगता है कि नहीं कि अकेले रह लेंगे हम तो। हमें तो घर पसंद है, हमें फ्लैट्स पसंद नहीं है, वहां पे बहुत झगड़ा होता है, साथ में नहीं रहा जाता। पर हमें ये 6 द्रव्यों से सीखना चाहिए कि 6 द्रव्य साथ में रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, होता है कि नहीं। तो ये 6 द्रव्यों का स्वरूप है कि वहां विश्व को टिकाए रखते हैं, विश्व पे सदा उपकार करते हैं। समझ में आया? सर, यहाँ तिष्ट का मतलब तिष्ट मतलब रहना, तिष्ट मतलब रहना। पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, इस प्रकार सर्व पदार्थ का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंद की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं तो ये बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों है? आगे, जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया उद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा, तथा उसके आधार पर होने वाला पर समय पना भी नहीं टिक सकता। जब पर समय पना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा? जब ये विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय जीव के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ, और यही श्रेष्ठकर भी है। हाँ, देखो कितना अच्छा लॉजिक से यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले तो कह दिया कि सब द्रव्य अलग अलग है, ठीक है, फिर कहा जब सब द्रव्य अलग अलग है तो बंधन नहीं होगा, फिर तो कोई बंधा ही नहीं आज तक। कि हाँ, कि जब दोनों बंधे ही नहीं तो पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कोई सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सब अलग अलग है। मात्र ऐसा है कि जीव और कर्म साथ में रहते जरूर है एक क्षेत्र में, पर जीव अपने में रह रहा है, कर्म अपने। इसका मतलब जीव कभी भी पुद्गल कर्मों में स्थित नहीं है। जब पुद्गल प्रदेशों में स्थित पना नहीं हुआ तो फिर पर समय नहीं हुआ, और जब पर समय नहीं हुआ तो स्व समय पर समय का भेद ही नहीं हुआ, एक ही समय सिद्ध हो गया। और जब एक ही समय सिद्ध हो गया तो समय का एकत्व सिद्ध होने से वही श्रेयस्कर है, वही सुंदरता है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। कि पहले यहां से शुरू किया कि हर द्रव्य अपने अपने गुण, द्रव्य पर्यायों को प्राप्त है, एक दूसरे को छूता भी नहीं है, तो फिर धर्म पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना ऐसा कहना भी मात्र व्यवहार है। सिर्फ व्यवहार से कहा जा रहा है कि ये पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, वास्तव में तो जीव अपने में स्थित है और कर्म अपने में है। आप सोचो, जैसे अभी आत्मा है, शरीर के साथ है, तो आत्मा शरीर के आधार से स्थित है क्या?
कि शरीर अपना स्थित है, आत्मा अपना रह रहा है। क्यों अलग अलग कैसे है ये कैसे पता चला आपको? जैसे आयु पूरी होती है इसी शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाता है, क्या पहले शरीर से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ खोलना पड़ता है, कुछ कहीं से निकलना, ऐसा कुछ नहीं है, निकल जाता है। मतलब अलग अलग ही था। ऐसी कर्म है, कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, इक्षेत्र अवघा में तो कर्म बंधे हुए हैं। बोलते हम बंधन बंधन, तो क्या ऐसे कोई ऐसे बांधा हुआ है उसको उनसे, जंजीरों से या हथकड़ी से, कि भाई पहले ताला खोलना पड़ेगा तब निकलेंगे? कि नहीं, कर्म अपना रह रहे हैं साथ में, आते जाते हैं, खिरते जाते हैं, उदय में आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब रहना मात्र उपचार है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था ना कि एक एग्जांपल, कि जब हम बहुत सारे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो साथ में रह तो रहे हैं पर हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हमारा उनसे मतलब नहीं है, तो बस रहना साथ में एक उपचार मात्र है। सब अपना अपना ही रह रहे हैं, यही होता है सोसाइटी में। ऐसा ही यहाँ पर कह दिया कि हर द्रव्य अपने अपने में रह रहा है, तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो पर समय नहीं होगा, पर समय नहीं है तो स्व समय पर समय का डिफरेंस नहीं होगा, सभी स्व समय हो गए, मतलब एक ही समय सिद्ध हो गया। और एक ही समय सिद्ध होने से कह दिया वास्तव में यही विषमवाद को दूर करने वाला, जहां दो हो गया वहां पे झगड़ा हो। मैं मान लो आपको खाना खाना है तो आपको ऑप्शन दे दिया कि आप ये सब्जी खाओगे या ये सब्जी खाओगे, तो वहां पे अब झगड़ा है, वहां आप सोचने में पड़ता है, एक को अच्छा एक को बुरा ही मान। और एक ही ऑप्शन दिया जाए जब, कोई दिक्कत ही नहीं। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है वहां पे तो हमें एक ही खाना होता है, उसमें ना राग ना द्वेष होता है कि नहीं? जितने ज्यादा ऑप्शन उतने ज्यादा विकल्प, उतने ज्यादा ये कि ये ले ये खाए ये खाए ये ऐसा मतलब ये चलता रहेगा। तो जहाँ एक है वहां पे सुंदरता है, वहां पे सुखी है, वहां पे शांति है। आप देखो ना हर चीज पे आप लगाओ, आपके पास बहुत सारी गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी अच्छी कौन सी ले, मतलब मान लो बहुत सारी, ये वाली ले कि ये वाली नहीं ले, कपड़े हैं बहुत सारे, ये पहने ये पहने ये पहने वो पहने, इतने विकल्प होते हैं, इतनी उसमें होता है, ये ऐसा इसके साथ ये मैचिंग ये इसके साथ। तो अब आप सोचो, इमेजिन जिनके पास एक ही वस्त्र होता होगा उनको क्या टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं, ना कोई कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ना कोई मैचिंग की दिक्कत है, ना कोई उसके साथ होने वाले एक्सेसरीज की दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही है बस, जो है वो यही है। समझ में आ रहा है आपको कि एक होना कितना शांति और सुखी होने का उपाय है? ठीक है, चले आगे। हाँ आगे पढ़ना सर। आप, नहीं हो गया यहाँ तक ही है, अब हम नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं, चौथे नंबर की गाथा, 4 नंबर की गाथा। समझ में तो आ रहा है आपको समय सार? मुश्किल तो नहीं लग रहा? इंटरेस्टिंग है सर, आपने पहले फाउंडेशन बहुत अच्छी कर दी तो समझ में आ रहा है अच्छे से। और मतलब इसको हम ऐसे प्रैक्टिकली अगर समझते हुए चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि समय सार बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, आत्मानुभव के लिए, सम्यक दर्शन के लिए अत्यंत उपयोगी ये ग्रंथ है, जिसको हम बहुत हाई लेवल का समझ लेते हैं, बहुत मुश्किल समझ लेते हैं और इस बहाने पढ़ते भी नहीं है। अब चलते हैं हम चौथी गाथा पे। अब चौथी गाथा में कह रहे हैं आचार्य कि ठीक है, आपने ये कह दिया कि हमें दो दो के झगड़ों में नहीं पड़ना, दो के झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो बस एक समय है। तो ठीक है, आज तक हमने वो समय क्यों नहीं सुना जब वो इतना उपयोगी है, जब वो इतना, आप कह रहे हो वो इतना सुंदर है, हमें तो दिखा ही नहीं आज तक, हमें तो मिला ही नहीं। ऐसी शंका उठाने पर शिष्य ने प्रश्न उठाया, तो अब आचार्य क्या उत्तर दे रहे हैं चौथे नंबर की गाथा। सुद परिचिदानु भूदा सब वस विकाम भोग बंद कहा, एयत सुबलंबो नवरिण सुलहो विहतस्। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। बहुत ही
इम्पोर्टेंट गाथा है ये, और बिल्कुल एकदम हमको जागृत करने वाली गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि आज तक हमने वो आत्मा हमें मिला क्यों नहीं, आज तक हमें वो आत्मा दिखा क्यों नहीं, आज तक हमें वो समय प्राप्त क्यों नहीं हुआ। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। अब क्या प्रश्न, ये प्रश्न का क्या उत्तर दिया, देखिए। शुद्ध परिचिदानुभूता, शुद्ध परिचित और अनुभूत, यहाँ कहा जा रहा है कि श्रुत मतलब सुना गया, परिचित मतलब जिसका परिचय किया हो, और अनुभूत मतलब जिसका अनुभव किया हो। ऐसा क्या है, सब जीवों को, सर्व जीवों को क्या है, काम भोग बंध कथा, कि भाई काम भोग बंध की कथा, ये ही सब जीवों को शुद्ध है मतलब श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है। सब जीवों को काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, परिचय है, उसी का अनुभव है। दूसरी लाइन, एयतस्वलंबो, और एकत्व को प्राप्त, एकत्व को जो प्राप्त है, उपलब्ध है, नवरी, नवरी मतलब केवल, न सुलहो, वह सुलभ नहीं है। विहत्तस मतलब एकत्व और विभक्त को जो प्राप्त है ऐसा आत्मा, वो ही केवल सुलभ नहीं है। तो आपने तो क्या कहा था, हमें ये बताएंगे कि आत्मा क्यों नहीं हमने देखा, तो यही उत्तर ये दे दिया कि सुलभ और असुलभ, सुलभ और दुर्लभ जिसको कहते हैं, कि यहाँ पर ये आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बता दिया कि आज तक सब जीवों को काम भोग बंदगी कथा ही सुलभ है। वो एकत्व विभक्त वाले आत्मा की ना तो इसने कभी बात सुनी है, ना उसकी उसका परिचय किया है, और ना ही उसका अनुभव किया है, इसलिए वो सुलभ नहीं है, वो दुर्लभ है। अब ये काम भोग बंध कथा क्या होता है और सुलभ दुर्लभ क्या होता है, कि देखो काम भोग बंध की कथा मतलब जितनी भी लौकिक बातें, जितनी भी लौकिक चर्चा, जितनी भी पंच इंद्रिय विषयों की चर्चा, क्रोध मान माया लोभ आदि की चर्चा, वी कथाएं, ये बहुत सुलभ है। सुलभ मतलब होता है आसान, सुलभ मतलब होता है बहुत इजी। अब आप सोचिए हम दिन भर क्या सुनते हैं, क्या सुनाई दिया जाता है हमको, कि भाई हम देखते हैं तो टीवी देखते हैं, उसमें गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसमें भी यही विषयों की बात आती है, और भी कहीं पे लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, चार लोग मिलते हैं, किसी हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, किसी समाज के लोगों से मिलते हैं, तो क्या बातें होती हैं, कि इनकी बुराई, उनकी अच्छाई, इनकी निंदा, उनकी प्रशंसा, उनकी वो सब, यही तो चर्चाएं होती है, यही तो कथाएं चलती है। और जो अभी मैंने समय की बात की थी, पता भी नहीं चलता कि इतनी चर्चाओं में कितना समय चला जाता है। कोई डायरेक्टली करता है, कोई फोन पर करता है कि घंटों घंटों करता रहेगा, मोबाइल पर करेगा, तो यही चर्चाएं चलती है। मोबाइल पे कॉलिंग में होगा, मैसेज में होगा, व्हाट्सएप पे होगा, फेसबुक पे होगा, मतलब कितने साधन हैं, और चर्चाएं उस पे क्या होती है, कि कोई तत्व चर्चा होती है क्या, कि तत्व चर्चा कुछ नहीं होती। और बताओ, वो और बताओ, और बताओ, और बताओ के नाम पर बहुत क्या क्या बातें होती है, कि भाई दिन भर से लेके पूरे शेड्यूल से लेकर क्या किया, क्या करा, क्या मतलब, जिनसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, ऐसी चर्चाओं में ये अपना समय बिताता है। इसलिए कह रहे हैं ये बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, हर जगह चल रही है। आपका मन ना लग रहा हो कोई चर्चा, मतलब आपको मन ना लग रहा हो, बोर हो रहे हो, तो आप गली के बाहर चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, दो लोग मिलेंगे, आप उनसे ये बातें शुरू कर दो, और उसका फिर कोई एंड नहीं है। आप पार्क में बैठ जाओ, चार लोग मिलेंगे, उनसे आप कोई एक टॉपिक छेड़ दो, और कोई एंड नहीं है। पॉलिटिक्स की चर्चा हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, इधर उधर की हो सकती है, देश विदेश की हो सकती है, अमेरिका को क्या करना चाहिए ये हो सकती है, ईरान को क्या करना चाहिए, इसराइल को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, चाइना को क्या, ये सारी चर्चाएं हो जाती है कि नहीं बैठे बैठे। और मान लो 1 घंटे 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे, कभी कभी बहुत घंटे निकल जाते हैं, और सार क्या निकलता है उसका, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आपसे पूछने आएंगे अब कि क्या करना है।
या कोई आपसे पूछने आएगा, या आपके ही देश के पूछने आते हैं क्या? हम बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, हमें मिलेंगे तो हमें ऐसा, क्रिकेट की सोचता रहेगा तो उनको सजेशन देता रहता है, उसके चर्चा करता रहता है, उन चर्चाओं कितनी इतना समय, कितनी शक्ति, कितना बर्बाद होता है, हम उसको सोचते भी नहीं, होता है कि नहीं? और ये कितना इजी है, हर जगह यही हो रही है, टीवी में, न्यूज में, रेडियो में, और जगह यूट्यूब पर, हर जगह ये चर्चाएं मिलती है, तो वो सुन सुनकर सुन सुनकर उसका अभ्यास हो गया है, इसलिए वो सुलभ है। और कह रहे हैं एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस जीव में आज तक उसका वह सुलभ नहीं, सुनना भी नहीं चाहता। आत्मा की बात हो तो ऐसा कहते, क्या आत्मा आत्मा की बातें कर रहे हो, और कुछ बताओ? इसको प्रवचन में भी आत्मा नहीं चाहिए, प्रवचन भी हमें कौन से अच्छे लगते हैं जिसमें आत्मा की बात ना आए, थोड़े से सास बहू की बातें आए, जोक्स आए, पॉलिटिक्स की आ जाए, या और कुछ आ जाए, पैसे की आ जाए, तो वो प्रवचन अच्छे लगते हैं, उन महाराज जी के, उन विद्वान के हमें प्रवचन अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा वाले तो बहुत बोर कर देते हैं, कि प्रवचन में भी नहीं सुना जाता, दूसरों से चर्चा भी करता है तो वो भी कथाएं करता है। तो आप सोचिए, ये सब सुलभता और दुर्लभता ये निर्भर करता है हमारी रुचि पर, क्या इजी है क्या मुश्किल है, ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है। डॉक्टर की पढ़ाई मुश्किल है या सरल है? मुश्किल है। मुश्किल है, पर जिसकी रुचि होती है, जो उसका बिल्कुल एकदम लगन होती है, रुचि होती है, वो कहते हैं बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, हम अपने उससे तो हमें मुश्किल लग रही है। अब आत्मा को जानना, आत्मा की प्राप्ति मुश्किल है या सरल है, कि अगर रुचि होगी हाँ, तो आसान है, रुचिवान को इजी लगेगा। रुचिवान के लिए बहुत इजी है, खेल खेल में करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी, उसके आत्मा को जानना पहचानना। और जिसकी रुचि काम भोग बंध की है, विषयों की है, धन की है, घूमने फिरने, उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो सारा खेल सारा रुचि का है, सुलभता दुर्लभता का संबंध रुचि का है। आप चर्चा भी जो कह रहे हैं कि इसी ने आज तक यही सुना है, यही सुनाया है, दूसरों को भी बताता है ना, तो यही बताता है कि देखो तुम ये काम कर लो, देखो तुम ऐसा कर लो, तुम ये खरीद लो, तुम ये, मतलब ऐसे टिप्स देता है, तुम ऐसी पढ़ाई कर लो, तुम ऐसा काम कर लो, मतलब कहीं भी चर्चा करेगा, बोलेगा, बताएगा, किसी को उपदेश देगा, तो संसार का देगा। हम भी यही देते हैं ना, बच्चों को क्या सलाह देते हैं कि आत्मा जानो या सक्सेसफुल बनो, पहले कहते सक्सेसफुल पहले बनो, आत्मा तो बाद में जानते रहना, धर्म तो बाद में करते रहना, पहले क्या कर लो, पहले लाइफ सेट कर लो, पहले सक्सेसफुल हो जाओ, पहले करियर बना लो। तो हम भी यही शिक्षा देते हैं, और वो उन्होंने भी यही सुना है बचपन से, यही सुनते हैं, ऐसे हमारे साथ होता है, ऐसे सबके साथ होता है, ऐसा सब चल रहा है, बताता भी यही, तो परस्पर में यही सुनता है, सुनाता है, तो ये इतना इजी है, इतना सुलभ है, कि नींद में भी उठा के पूछोगे ना किसी से क्या बनना है तुमको, तो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, किसे पूछो मुझे ये काम करना है, मुझे घर के ये काम करना है, इतना इजी हो गया है कि हमने उसे इजी बना लिया है, और जो इजी था उसको हमने मुश्किल बना लिया। समझ में आ रही है बात कुछ? सर विभक्त यानी क्या है मतलब? भिन्न, विभक्त मतलब भिन्न, पर से भिन्न, विभक्त, और सर विहत मतलब? विभक्त मतलब ही यहाँ पे प्राकृत में उसको विहत्त कहा है, विहत्तस मतलब भिन्न, अच्छा, उसका मतलब विभक्त विभक्त है, परसे भिन्न। भिन्न। एक बार मैं इसका हरि गीत पढ़ता हूँ, फिर हम टीका पढ़ेंगे। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। हाँ, टीका आप में से कौन पढ़ेगा? सरिता जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए।
यहां से ना काम भोग और बंद की कथा। नहीं, टीका कि आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार से यद्यपि यद्यपि आचार्य से। चंद्र आत्मख्याति की टीका में इसका भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं, यद्यपि यह काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, तथापि समस्त लोक ने इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। हाँ बिल्कुल, कितनी बार किया है? अनंत बार। ये आप दो चार मत सोचो, आपको ऐसा लगता है हमें तो ये बात पता ही नहीं चली, हमने तो ये देखा ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमें तो कभी जाना ही नहीं, कि ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा चर्चा नहीं है जो हमने अनंत बार नहीं सुनी है। सब कुछ सुन लिया, फिर भी सुनने का जानने का रस जो बना रहता है, ये पता लग जाए, ये पता लग जाए, ये भी जान ले, ये भी जान ले, तो कुछ ऐसा बाकी नहीं है जो नहीं सुना। एक आत्मा की बात ऐसी है वो इसने नहीं सुनी। आप कहोगे नहीं, हम तो सुन रहे हैं, हमें तो 3 साल हो गए सुनते सुनते, 7 सेमेस्टर आ गया है हमारा, 4th साल आ गया है, कि सुनने का मतलब क्या है? अभी बताएंगे सुनने का अर्थ क्या है, पढ़िए आगे। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक क्षत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला मोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग मृग जाल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, ये पंचेंद्रियों के ने के विषयों को से घिरा हुआ है, है। जिसने ऐसा यह जीव लोक इस विषय में परस्पर आचारित्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंद कथा सबको सुलभ है। हाँ देखिए, इस पैराग्राफ में संसार का एक थोड़ा चित्रण किया है, क्या चल रहा है संसार में, कि संसार चक्र में स्थित है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भव परावर्तन, पांचों परावर्तन कर रहा है, और एक इस पूरे संसार में एक जिसका राज्य चल रहा है एक छत्र से, वो है मोह, जिसके वश सारे हैं। कोई ऐसा राजा नहीं होगा जिसके वश में कोई नहीं होगा, पर एक मोह राजा ऐसा है जिसके वश में सब है। और कैसा है, बैल की भांति, जैसे खेत में बैल होते हैं ना, लगे पड़े हैं, कर रहे हैं काम और मजबूर है, बिल्कुल विवश है, ऐसा ये जी मोह के वश होकर संसार में दौड़ रहा है, भाग रहा है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति के अपने अपने गोल है, उसको इधर जाना है, उधर जाना है, ये टारगेट्स है, ये अचीव करना है, ये सब दौड़ रहा है। किसके जैसा कहा है यहाँ पर, तारीफ नहीं करी, बैल क्या कहा है? बैल की बात। बैल की बैल को तरह देखकर हमें ऐसा लगता है कि बेचारा कितना मूर्ख है, विवश है, इतनी शक्तिशाली होते हैं बैल। अगर बैल चाहे तो जिससे उसे बांधा जाता है उसको तोड़कर भाग सकता है, इतनी शक्ति होती है बैल में, उसे तोड़कर वो भाग सकता है और उससे बंधन से मुक्त हो सकता है, पर नीचे मुंह करके या उस विवशता के कारण से उसमें फंसा रहता है। ऐसे ये किसको कह रहे हैं यहाँ पर, कि हम सबको, हम आप सबको कह रहे हैं, बैल की भांति विवश होकर, मजबूर होकर, दुखी हो रहा है, और इतनी शक्ति है, इतना उसमें सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है कि अभी अगर आत्मा को जानेगा तो इन बंधनों से बच जाएगा, मुक्त हो जाएगा, पर होता ही नहीं है, उसी में लगा रहता है, उसी में जड़ता है, बैल की भांति चलता है, भार वहन करता है। और कैसे, जैसे हिरण मृग तृष्णा के जैसे उधर सुख है, उधर सुख है, उधर पानी है, उधर पानी है, दौड़ता जाता है, फिर जाता है, देखता है, नहीं मिलता है, फिर घूम घूम कर ऐसे मर जाता है, ऐसी ही स्थिति किसकी है, कि हम आप सबकी हमारी हो रही है, कि भाई वहां सुख मिलेगा, कि वहां जाएंगे वहां अच्छा लगेगा, इंडिया के बाहर मिलेगा, नहीं यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, ऐसे घूमता 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 आयु पूरी हो जाती है और सुख कहीं नहीं। तो ऐसे पंचेंद्रिय विषयों से घिरा हुआ है, पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा घिरा हुआ है, परस्पर में आचार्यत्व, मतलब दूसरों को सिखाता भी है, तो यही सिखाता है।
जो अज्ञानी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो अज्ञानी होने पर भी ऐसा सिखाते हैं। देखो हम आपको एक बात बताएंगे, हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि तुम बहुत बड़े बन जाओगे, बहुत अमीर बन जाओगे, बिल्कुल सब सुविधाएं। मतलब वो ये नहीं सिखाते हैं कि कैसे इन सब दुखों से मुक्त हो। तो वो क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि कैसे अमीर बना जाए, कैसे सक्सेसफुल बना जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे रिस्पेक्ट कमाई जाए, ये सब सिखाते। पर कह रहे ये तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब सीख जाते हैं। तो ऐसा काम भोग बंदगी कहता है सुलभ। अब दुर्लभ क्या है? देखो पढ़िए। किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। पढ़िए। जगत जीव एक तो अपने को जानते नहीं है, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है और ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी यह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। अनादिकाल देखिए से बस बस इतने ही, यहाँ तक जहां तक इन्वर्टेड कॉमा है ये टीका होती है, मतलब जो बोल्ड करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर पहले बता दिया सुलभ क्या है, और अब आत्मा सुलभ क्यों नहीं है? देखो आज तक इसने सबको देखा पर देखने वाले को नहीं देखा, सबको देखने की रुचि हुई, खुद को जानने की रुचि नहीं। कितना मतलब एक हास्य जैसी बात है वे, खुद की सबको तो बहुत जानने, वो क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसका क्या होगा, उस अरे उसका क्या होगा ये तो बाद में, पहले ये तो सोचे अपना क्या होगा, हमें अपना क्या होगा ये कब ध्यान आता है, हम अपना क्या कर रहे हैं अपने लिए ये कहाँ ध्यान आता है। तो सबको जानता है पर उस देखने वाले अंतरंग से जो प्रकाशमान है ऐसे आत्मा को नहीं देखता है, वो तिरोभूत हो रहा है, वो ढका जा रहा है। जब आत्मा की बात आए तो उससे आत्मा से मुंह फेर लेता है, जानना नहीं चाहता है। मतलब आत्मा मतलब खुद को, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद को नहीं जानना चाहेगा कि अज्ञानी जीव ऐसे हैं। आत्मा को जानते नहीं और जो जानते हैं वो उसकी सेवा नहीं करते, संगति नहीं करते, मतलब और उसमें लीन नहीं होते हैं, उसका उसका और समागम नहीं करते, उसको और रुचि से नहीं जानते हैं। तो सुनता भी है तो आप कहोगे हमने तो बहुत सुन लिया आत्मा को, आप कैसे कह रहे हो हमने सुना नहीं? कि सुनना मतलब ये सुनना नहीं होता, ऐसा सुनना नहीं है कि जैसे बच्चे को बोला कि एक गिलास पानी लाओ और वो कहता है हाँ मैंने सुन लिया, कि उससे बोलते सुना नहीं क्या तुमने, वो खड़ा है वहां पर कि सुना नहीं क्या तुमने, कहते नहीं मैंने सुन लिया, कि क्या सुना, कि एक गिलास पानी लाओ, ये सुन लिया, खड़ा है फिर भी वहां पर, तो सुन लिया कि नहीं उसने। अब जिनवाणी हमें कह रही है अपने बच्चों से, जिनवाणी अपने बालकों से कह रही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम शरीर का काम नहीं कर सकते हो, धन से सुख नहीं आता है, तो हम क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हमने सुन लिया। फिर क्या कर रहा है? फिर धन के पीछे भागता है, फिर पैसा पैसा करता है, फिर आकुलता में लगाता है, फिर पर में अपनी हस्तक्षेप चलाने की। तो जिनवाणी पूछे सुना नहीं क्या तुमने? नहीं नहीं हमने सुन लिया कि एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, सब स्वतंत्र है। ये सुनना नहीं होता, सुनने का अर्थ होता है उस रूप परिणमित होना। जब तक आप वो कार्य नहीं करो, उस रूप परिणमन ना करो, तब तक सुनना नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए वो आत्मा की बात ना तो आज तक कभी जीव ने सुनी है, सुनी है तो परिचय नहीं किया, परिचय किया तो अनुभव नहीं आया, आत्मा आज तक सुलभ नहीं है। समझ आ गई? चार गाथाएं बहुत इजी थी, ये वाली चौथी गाथा वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है कि हमें क्या सुलभ है क्या दुर्लभ है, हम खुद अपने आप के लिए क्या सुलभ दुर्लभ बनाते हैं वो डिपेंड करता है अपनी रुचि से। सर, मुझे एक थोड़ा पूछना था। ये जो लिखते हैं ना, पहले जैसे ये प्राकृत में लिखा है, फिर कुछ तो ये क्या इसका पैटर्न है, जैसे पैटर्न टू ये टू। है कि जैसे आप ग्रंथ, मूल ग्रंथ है ना आपके पास, हाँ है। हाँ पैटर्न आप देखो, सबसे ऊपर होती है मूल जो बोल्ड में है प्राकृत गाथा, फिर उसके नीचे दो लाइन उन्हीं प्राकृत में ट्रांसफॉर्म किया गया है हाँ जिसपे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये उसकी छाया अनुवाद कहलाता है, छाया अनुवाद।
इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो लाइन से शुरू होती है, गद्य लाइन पूरी पैराग्राफ वाली, ये कहलाती है आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका, मतलब एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या, ये हमें पढ़ना है, ये हमारे कोर्स में आएगा। तो वो नेक्स्ट पेज पे चलता है फिर, मतलब नीचे फिर आता है जहां से वो लाइन एक ड्रॉ हरी करी गई है, उसके नीचे फिर हिंदी में कर दिया इसको। अच्छा और हिंदी में भी जब गाथा लिखते हैं, फिर गाथा का हिंदी भावानुवाद किया, हरि गीत, वो हमें पढ़ना है, हरि गीत वाला। और फिर जो नीचे आता है कि ये सारा उसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पढ़िए, और टीका तो पढ़नी है ही हिंदी से। तो टीका के बाद फिर से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। वो सब एक्सप्लेनेशन है, एक पैराग्राफ नहीं, पूरा अगले पेज तक है वो। अगली गाथा जब तक नहीं आती है तब तक उसी का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक तरह से ये पूरा ग्रंथ है समय सार। तो हम तो अपने पेपर की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, पर सारी चीजों को समझने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और विषयों को और गहराई से जानने के लिए सब कुछ पढ़ना ये जरूरी होता है। इसलिए सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, पूरी चर्चा का, गाथा का, टीका का जो सार होता है, वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो सर ये सब तो एक्सप्लेनेशन हुआ, तो हाँ, पेपर में क्या आएगा? मेन ग्रंथ से और अनुशीलन भी है। पेपर में मूल गाथा, हाँ टीका हाँ और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, जो कोई विशेष बात आई हो। मतलब मेन ग्रंथ से ही आएगा। हाँ, मेन ग्रंथ से में सब कुछ है, तो आप मेन ग्रंथ को तो बिल्कुल छोड़िए मत। और अनुशीलन में से वो तो एक्सप्लेन हमें समझ के और लिए है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अनुशीलन को रेफर कर सकते हो, वो हमारी बातें समझ वही के है। लिए हाँ, बातें सब यही है उसमें। अनुशीलन को आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, तो ग्रंथ जो है मूल ग्रंथ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो आप, एक एक पेज का है गाथा का, आगे का पीछे का, वो भी पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी होगा, अनुशीलन के मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सर ये तो पेपर 3 हुआ ना, हाँ, पेपर 3 ही, पेपर 2 में अपना वो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, पर्यायार्थिक और समय सार की समरी, तो वो आप करवाने वाले हैं सर? वो सेल्फ स्टडी में है वैसे, पर हमारा जैसे ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम उसको भी एक सेशन में, उसको भी या एक दो सेशन में, और जैसा समय बचेगा उसको भी ले लेंगे। एक ही सेशन में हाँ, सर? तो जितना बचेगा, जितना हमारे पास बचेगा। तो हमें पेपर 2 की द्रव्यार्थिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में क्या क्या लिखना है? पर्यायार्थिक नए भी लिखना है, और समय सार समरी को भी लिखना है। वो भी लिखनी। ओके, हाँ तो जी, सर जो समय सार समरी हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी जो समय सार पढ़ रहे हैं इसी का ही निचोड़ रहने वाला है? तो इसी का निचोड़ है, बस सर हम वो बाद के पूरे पेपर समय सार का है, वो बाद पूरे के समय सार पेपर है। तो सर ये समरी हमने अगर की नहीं है तो हम, और इतना डिफिकल्ट ग्रंथ है, तो हम अपने आप कैसे पढ़ सकेंगे और बराबर कैसे समझ नहीं, सकेंगे? समरी बहुत इजी है, अच्छा और उसको आप, वो सेल्फ स्टडी में रखा ही इसलिए गया है क्योंकि आप उसको इजीली पढ़ सकते हो, और वो बेसिक जनरल ग्रंथ का परिचय, अध्यायों का परिचय, वो पढ़ के आपको लिखना है। बाकी हम उसकी क्लास जब लेंगे, और जब हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, तो एक समरी तो आप खुद ही बना पाओगे, मतलब पूरा आ ही जाएगा आपको। हम क्योंकि पर हम पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, 25 गाथाएं पढ़ रहे, इसीलिए वो अलग से लिखा रखा गया विषय। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 2 कभी देना है? लास्ट डेट कभी है सर? अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को मैं आज, मतलब दोनों को ही ओपन कर देता, क्योंकि वो अभी मॉडल पर प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज चेक करके मैं उसको कर देता हूँ। तो आज से हम उसको भी 15 डेज तो सर उसके जो उसका पहले टाइम, समय सार का सार करवा दीजिए ना, तो हमें इजी पड़े ना, समझ के नहीं, लिखे तो। समय सार का सार, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी में है, तो हमारा मेन विषय ना रह जाए, इसलिए हम पहले ये कर रहे हैं। हमने जो आपको एक दिन कहा भी था कि आप, अगर आपको समय है, अनुकूल है, तो आप ग्रुप डिस्कशन के सेशंस भी रख सकते हो, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट्स आप वीक में एक दिन ऐसा कर सकते हो, जिसमें सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक आप एक एक पर्सन रीड करता जाए, और जो जो डाउट हो परस्पर में, वो क्लियर भी हो सकते हैं। तो उससे हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और हमें अलग से नहीं पढ़ के उस सेशन में हम कर सकते हैं। तो टीम लीडर तो उसको आप लीड कर सकते हो, और भी कोई इनिशिएट लेना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो कौन सी बुक से समरी देखनी है? जो बुक हमें, जिसमें से हमने अष्टपहुड वाली देखी थी, आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार नाम से जो बुक है, उस
बुक से पढ़ना है। तो उसमें पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर ठीक सब ग्रुप पे डले हुए हैं, वो मैंने डाला हुआ है सिलेबस का, आप उसमें से देख लीजिए। ओके। चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं, कोई विषय में जो डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अगली क्लास में हम आगे की गाथाएं बढ़ाएं। ठीक है, पर सभी वो को जय समय जय। सर का पिक्चर रख दीजिएगा प्लीज। हाँ भेजता हूँ। ठीक है, सभी को जय जिने। जय जिनेंद्र।